हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब सहेली चैनल में। फ्रेंड्स, हेल्दी डाइट और अच्छी लाइफ स्टाइल एक फाउंडेशन होता है, एक बिल्डिंग ब्लॉक होता है आपको जल्दी कंसीव करने के लिए, आपके साथ जो भी फर्टिलिटी इशू है उनको सॉल्व करने के लिए। और यहाँ यूट्यूब सहेली पे ऐसी ही छोटी छोटी अच्छी बातें जो कि बिल्कुल भी अलग नहीं है, कुछ आपको एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना है, जो आप रूटीन में खाते पीते हैं बिल्कुल उन्हीं चीजों से रिलेटेड मैं आपको आसान उपाय बताती हूँ, जिससे कि आपकी फर्टिलिटी भी रिस्टोर हो जाएगी, आपका हेल्थ भी रिस्टोर हो जाएगा और लाइफ स्टाइल को भी आप बहुत सुंदर बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम ऐसे ही एक ट्रेडिशनल स्पाइस, एक मसाला जो किचन में हम सबके किचन में अवेलेबल है, उसकी बात करूंगी, क्योंकि ट्रेडिशनल नॉलेज से आई हुई चीज बहुत साइंटिफिक है, जो हमारे बुजुर्ग बहुत पुराने समय से फॉलो करते आ रहे हैं, सारी चीजें साइंटिफिक थी और उनमें से आज जिसकी बात करने वाली है उसके मल्टीपल बेनिफिट्स है। लेकिन आज हम केवल फर्टिलिटी इशू पर बात करेंगे उसकी, क्योंकि आपको मैं फर्टिलिटी से रिलेटेड ही टिप्स ज्यादातर बताया करती हूं। तो फ्रेंड्स, अगर आप यूट्यूब सहेली को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दें चैनल को, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दें, क्योंकि डेली एक आपको इंटरेस्टिंग और यूजफुल वीडियो मिलता है यहाँ पे, जिससे बहुत सारी सहेलियां बेनिफिट ले रही हैं। जहां तक आज के टॉपिक की हम बात करते हैं, तो एक समर स्पेशल ड्रिंक है आप लोगों के लिए, जो कि आपकी फर्टिलिटी को भी बूस्ट करेगा और आपको इसको पी के बहुत ही अच्छा लगेगा। फ्रेंड्स, आज जो मैं बात बताने वाली हूँ वो है रिसर्च बेस्ड, कि ये जो स्पाइस है जनरली हम लोग के लिए बहुत सामान्य है, लेकिन अब इसकी स्पेशलिटी क्या है फर्टिलिटी के लिए, ये जानना बहुत जरूरी है आपको, ताकि आप इसको पूरे मन से, बहुत लगन से और बहुत अच्छे से सही तरीके से प्रयोग करें। वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि लास्ट में मैं आपको बताऊंगी कि इसको आपको लेना किस तरीके से है फर्टिलिटी के लिए। तो फ्रेंड्स, 2015 में ईरान की यूनिवर्सिटी में रिसर्च हुआ है इससे रिलेटेड, क्लिनिकल ट्रायल्स हुए हैं इससे रिलेटेड, जिससे कि इसके बेनिफिट पता चले हैं। सबसे पहला बेनिफिट इसका यह है कि आपकी ओवरीज में जो फॉलिकल ग्रो हो रहे होते हैं, जिसमें से कि एग रिलीज होता है, ओव्यूलेशन होता है समय पे, तो उन ग्रो होते फॉलिकल्स के नंबर्स को बढ़ाता है, जिससे कि आपको ओव्यूलेशन समय पे हो जाए। इसका अर्थ यह है कि ये ड्रिंक आपके ओव्यूलेशन को सही करेगा, आपका ओव्यूलेशन समय पे होगा। दूसरी बात, शरीर में हमारे तीन प्रकार के दोष मुख्यतः माने जाते हैं आयुर्वेद के अकॉर्डिंग, वात, पित्त और कफ। तो जो तीनों दोष होते हैं उनको ये शांत करता है। इसकी प्रकृति ठंडी होती है और गर्मियों में जो आप कई व्यूवर्स मुझे कमेंट में लिखते हैं कि मैम मेरी बॉडी में बहुत मुझे हीट फील होता है, तो ये जो हीट है ना ये भी इनफर्टिलिटी का एक कारण होता है। तो ये हीट जो बॉडी की है उसको कम करता है, त्रिदोष जो होते वात पित्त कफ उनको भी ये शांत कर देता है। और जब इन तीनों में से अगर कोई दोष आपको है वो शांत हो जाता है, तो आप बिल्कुल ओव्यूलेशन समय से होकर आप कंसीव कर लेंगे, इतना आसान हो जाता है। अगली बात, ज्यादातर घरों में टीनेज जो बच्चियां होती हैं जिनको पीरियड स्टार्ट होता है तो बहुत पेनफुल होता है, या लेट में भी जिनको पीरियड में बहुत ज्यादा पेन रहता है, पीएमएस की प्रॉब्लम रहती है, मतलब पीरियड से पहले प्रेगनेंसी जैसे सिम्टम्स होते हैं बट प्रेगनेंसी होती नहीं है, डिप्रेशन रहता है आदि, इन सब तरह की चीजें, तो पेनफुल मेंसेस की जो प्रॉब्लम है उसको ये बहुत अच्छे से सॉल्व कर देता है। तो पेनफुल मेंसेस में भी आपको बहुत ही यूजफुल है, ओव्यूलेशन भी आपका ठीक करता है, तीनों दोषों को शरीर का ठीक कर देता है, शरीर को शांत और शीतल करता है ताकि आप आसानी से कंसीव कर सकें। इसके अलावा सबसे बड़ी बात, हार्मोनल इम्बैलेंस, शरीर के अंदर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का जो लेवल होता है उसको ठीक करने के लिए, प्रोलैक्टिन का जो इम्बैलेंस है, इन तीनों हार्मोन्स को, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और प्रोलैक्टिन, इन तीनों को ये संतुलित करता है, उनको ठीक करता है, कम है तो उनको बढ़ा के नॉर्मल कर देता है। इसके अलावा एक बहुत ही अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी इंफ्लामेटरी है, एंटी डायबिटिक है। तो जो पीपल, जो महिलाएं या पुरुष, पति पत्नी दोनों में से अगर कोई भी डायबिटिक है तो उनको भी ये बहुत ही बेनिफिट करने वाला है। लेकिन बस डायबिटिक है तो ध्यान रखें कि इसको लेते समय आप इसमें कुछ मीठा ऐड ना करें। इनफर्टिलिटी में मेल इशू भी रीजन होता है, तो जो मेल के स्पर्म होते हैं, स्पर्म के काउंट को भी ये बहुत अच्छे तरीके से इम्प्रूव करने में हेल्पफुल होता है। तो मेल के लिए भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है, आप दोनों हस्बैंड वाइफ इसको डेली ले सकते हैं। और खास बात यह है कि इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि मॉर्निंग में लेना है, एम्प्टी स्टमक लेना है, इसके बाद लेना है, उसके बाद लेना है, बिल्कुल आराम से समर ड्रिंक मान लीजिए इसको आप, और एड ऑन कर लीजिए ताकि ये, क्योंकि ये आपकी फर्टिलिटी को भी बूस्ट करता है। तो आप बात करेंगे कि लेना कैसे है, तो दो तीन तरीके की बड़ी फ्लेक्सिबल बात बताऊंगी, आपको जो सूट करता है, जिस तरीके से आपके कन्वीनियंस बनता है आप उस तरीके से लीजिए, बेनिफिट ये हर तरह से करेगा। सबसे पहली बात,
बेस्ट बात यह है कि जिनको पीरियड की प्रॉब्लम है, पेनफुल होता है, हैवी होता है और हार्मोन्स ठीक नहीं है, पीरियड समय से नहीं आता है, तो इसको लेना तो 30 डेज है। ऑल 30 डेज, पीरियड हो, इम्प्लांटेशन हो, ओवुलेशन टाइम हो, ऑल टाइम लेना, ये महिला की लिबिडो को भी बढ़ाता है। कई महिलाएं कहती हैं कि इंटरकोर्स की इच्छा नहीं होती, कई पुरुषों के साथ भी यही होता है कि कंसीव तो करना चाहते हैं बट हमको बिल्कुल भी डिजायर नहीं होती, लिबिडो ही बिल्कुल लो है, तो ये उसको भी ठीक कर देगा। आप सारे दिन, महीने के सभी दिनों में आप दोनों पति पत्नी को इसको पीना है। सबसे पहला तरीका ये बताऊंगी कि रात को 2 चम्मच सौंफ, अगर आपको 2 ग्लास बनाना है तो आप 2 चम्मच भी गो दीजिए रात को आप साफ पानी में, क्योंकि वही पानी अगले दिन आपको यूज करना है, तो वॉश करके उसको 2 चम्मच सौंफ को, फेनल सीड्स को आप भिगो दीजिए पानी में मॉर्निंग में या दिन में, जब भी आप उसको पीना चाहे तो उसको ग्राइंड कर लें और उसमें मिश्री ऐड करना है आपको मिठास के लिए। डायबिटिक है तो नॉर्मल ले सकते हैं, आपकी चॉइस, अगर आप नॉर्मल लेना चाहे नॉर्मल वाटर ले लीजिए, पर शरबत बनाना चाहते हैं आप उसका, तो जो धागे वाली मिश्री आती है, डले वाली मिश्री आती है जो प्योर होती है, उस मिश्री के साथ इसको शरबत बना के आप पी लीजिए, बहुत ही अच्छा रहेगा। लेकिन बात आती है कि अगर हमको तुरंत पीने का मन करे तब हम क्या कर सकते हैं, तो फ्रेंड्स इसका भी एक आसान तरीका है। आपको डेली लेना है तो आप ऐसा करिए, 7 डेज में जितनी क्वांटिटी कंज्यूम कर सकते हैं आप उतना आप ग्राइंड करके पाउडर बना के सौंफ का आप एक ग्लास जार में रख लीजिए, नॉर्मल रख लीजिए, वो 7 डेज में जल्दी खराब नहीं होगा। और जब आपको पीने का मन करे, दिन में कभी भी पी सकते हैं आप, और जब आपको शरबत बनाने का मन करे तो आप उस पाउडर को, सौंफ का जो आपने ग्राइंड करके पाउडर रखा है, 1 ग्लास के लिए 1 चम्मच काफी होता है क्योंकि आप इसको डेली लेने वाले हैं, तो आप 10 मिनट पहले भिगो दीजिए पानी में, उसके बाद फिल्टर कर लीजिए, मिश्री ऐड कर दीजिए और आप उसको पी सकते हैं। इसके अलावा एक और तरीका है कि आपको डेली उस तरीके से नहीं समझ में आ रहा तो खाना खाते हैं, ये तो प्रथा हमारे यहाँ सदियों से चली आ रही है, पर्टिकुलरली अपने देश की बात करें तो आप होटल रेस्टोरेंट में भी जाएं तो बाद में खाने के बाद में सौंफ सर्व की जाती है, तो आप खाने के बाद में थोड़ा सा ले सकते हैं, आप अपने हस्बैंड को भी दे सकते हैं, आप भी ले सकते हैं, इस तरीके से भी इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत ही बेनिफिशियल है, आपको इससे गर्मियों में तो राहत मिलेगी ही मिलेगी, फर्टिलिटी के लिए वरदान है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा और बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। इसी तरह बने रहिएगा मेरे साथ, जल्दी मिलूंगी एक नए विषय के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय।